थोड़ा आराम से होना शाहरुख वाला पोज और है ना कॉपी से साड़ीज और धोती से निकल के एकदम मॉडर्न ग्लैम लुक आ गया तो ये क्या हो गया सब इन्हीं का किया करे हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उमा शंकर के इस लुक को चेंज किया हालांकि मैं चाहती नहीं थी हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि मैं चेंज करूँ बट ये इस लुक में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और थोड़े से मॉडर्न भी लग रहे हैं अब तक धोती कुर्ते में थे जो कि इन पे बहुत सूट करता था और इनके कैरेक्टर को एक वेटेज देता था अभी भी दे रहा है बट दैट वाज माय स्ट्रेंथ दिस इज डिफरेंट एंड दैट वाज डिफरेंट या मैं बहुत मिस कर रहा हूं नो दिस इज नॉट माय वीकनेस बट दैट थिंग दैट वाज माय स्ट्रेंथ वो दैट डमरू आई स्टिल मिस इट सच्ची बात यह है कि जब इनका एक स्पेसिफिक एक जो टाइम पीरियड था जब ये व्हाट वर यू प्लेइंग वो क्या था सीता और गीता व्हेन शी वाज प्लेइंग दैट सीता और गीता का कैरेक्टर मैंने काफ़ी बार इन्हें बोला है कि उसमें जब जो इनका लुक था ना दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग एंड द मोस्ट मेसमराइजिंग लुक अकॉर्डिंग टू मी उमा शंकर ओके लेकिन ये लुक क्यों बदला एज अविनाश रे की आल्सो ओके लेकिन ये लुक क्यों बदला है मतलब पटाया से वापस आया काफ़ी मस्ती धमाल कुछ काफ़ी कुछ हुआ है वहाँ पर जी हाँ मेरा किरदार तो इसलिए बदला है बिकॉज कनक ने मुझे कहा कि ये इस बेस पे रहेंगे तो मासी साईं ने मुझे पहचान नहीं पाएंगी तो मैंने ये वाला किरदार भी निभाया और इसके बाद एक और किरदार जो हम मासी साहब और आदित्य के सामने जाते हैं तो उसमें हमारा एक अलग सा किरदार है जो कि एक सरप्राइज ऑडियंस के लिए जब वो देखेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा और कनक का भी जो ये लुक चेंज हुआ है बिकॉज ये बैंकॉक गई हैं तो उसके रंग में ढंगने के लिए इन्होंने और शॉपिंग की कितनी मस्ती हुई है वहां पे भाई ने पैसे दिए थे मंच ने पिक्चर्स वगैरह हमने देखे हैं तो क्या कहेंगे वहां के सारे पूरे क्याम हां डिड यू सी दैट क्याम दैट इज मी एंड आदित्य हमारा वो क्याम ब्रदर्स वाला एक नया बहुत ही सही जिनमें एक पिक्चर्स में मैं भी थी हां एक में भी थी देन दे डिच द क्याम ट्रायो ओके तो ये स्टोरी जो बदली है क्या कहेंगे ऑडियंस से कैसे आगे क्या-क्या होने वाला है क्या और